जा रहे नहीं नेचुरल हो रहा है फूड टेंशन वाली अंदर हे गाइस दिस इज हसनैन एंड आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आपका स्वागत है हमारे रुकनी ब्लॉग में। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं बिहार के नालंदा जिला, वहाँ हमारे एक दोस्त की शादी है तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं, जिनका नाम है ऋतिक भाई, उनके शादी में जा रहे हैं और देखते हैं कैसा माहौल रहता है और क्या मजा आता है। अभी बस अभी से एक घंटा पहले हम लोग का प्लान बना, नहीं तो जाने का थोड़ा हम लोग का दूसरा काम था तो जाने का प्लान नहीं था, लेकिन भाई ने बहुत दिनों से बोल बोल के रखा था। समझिए अगले साल बोले थे यार, इस साल हम लोग शादी जब सेट नहीं होता तभी से बोला था, जब यहाँ पे आया था तभी से बोल के रखा कि आना है, बट हम लोग भूल गए थे। और जब भी भाई कॉल करते हैं तो भाई शादी में आना है तो आना है, तो इसीलिए हम लोग अभी हम लोग एक घंटा पहले प्लान बना चलिए जाना। तो हम लोग सरस्वती पूजा की तैयारी में इतना थक चुके थे मतलब क्या बताएं, लेकिन फिर भी जा रहे हैं क्योंकि भाई ने इतना बोला था हम लोग कि आना है शादी में तो आना है। आज ही शादी है 17 तारीख है, आज यहाँ से 6 घंटे का रास्ता है, 300 किलोमीटर है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग 3 से 5 लोग जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं झुमरी तिले का डैम, आप देख सकते हो डैम बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है ये। सो गाइस तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नालंदा जिला बिहार। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं बिहार और पहली बार स्वागत है हमारा बिहार में। आप लोग नहीं कर रहे, हम लोग खुद ही अपने कर रहे हैं, ये पहली बार हम लोग बिहार आए हैं और बिहार नालंदा जिला में। तो यहाँ पे खूबसूरत बहुत है गाइस, अभी तक जो आए ना यहाँ पे लगे हैं पेड़ तार वाले, क्या बोलते हैं उसको, तारी बोलते हैं ना, तार गाछ, तार के पेड़ बहुत ही खूबसूरत है गाइस। मजा आ रहा है इधर शूटिंग करने में भी, मजा आएगा इधर, लोकेशन अच्छे अच्छे है देख के, हमारे उधर ऐसे नहीं मिलते लोकेशन इधर बहुत बढ़िया है, सब अलग अलग जगह की तरफ तौर पे। हमारे यहाँ का हमारे यहाँ भी कुछ खूबी है वो, लेकिन एक होते ना कि एक ही चीज आपको मतलब बार बार दिखे तो भले वो कितनी भी अच्छी रहे लेकिन थोड़ा फीका लगने लगता है जब। अरे कुछ एक कहावत था मेरे, मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो काट करके हम डाल देंगे, अभी याद कर रहे क्या था, हाँ याद आ गया, घर की मुर्गी दाल बराबर वो भी खूबसूरत है, लेकिन हमें उधर रह के आदत हो गया तो हमें खूबसूरत उतना नहीं लग रहा, इधर आए तो इधर अच्छा लग रहा है। आप जाओगे झारखंड तो आपको भी मजा आएगा, मजा आएगा बिहार वालों को, झारखंड में मजा आएगा, हम लोग झारखंड वालों को बिहार में भी मजा लग रहा है, झारखंड में मजा लगता है, झारखंड वाले गरियाने लगे तो झारखंड रह के झारखंडी ने बिहार झारखंड में मजा लगता है, लेकिन यहाँ खूबसूरत थोड़ा ज्यादा लग रहा है। ठीक है तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मायापुर और यहाँ पे है एक रेस्टोरेंट जहाँ पे कुछ खाने के लिए रुके हैं, क्योंकि सुबह चलते हैं कुछ खाए पिए है नहीं, कुछ भी खाए नहीं, अभी जाके खाएंगे हम लोग। तो अभी यहाँ पे एक रेस्टोरेंट मिला रास्ते पे तो यहाँ पे कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आगे गिफ्ट लेना हमें, जो हमें गिफ्ट ने लिए हमें शादी पे जा रहे हैं। और अरे यार मैं तो काला हो गया यार, तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? मैं तो गोरा हूँ भाई, नहा के आया हूँ ना, चल झूठा। फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है, ये है बिरयानी, अंडा बिरयानी, उधर भी अंडा बिरयानी है। अमित भाई शाकाहारी हो गए आज से, नहीं तो खाते सरस्वती पूजा से, नहीं तो अंडा मछली खाते थे, मनोज तो खाता है लेकिन यहाँ नहीं खाता है अभी तो गाइस खाना पीना कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं थोड़ा सौरभ जैसी बन जाता है कभी 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 वो आ जाता है ना फीलिंग फॉलो में देखते हैं, ऐसे ही ऐसे मजा नहीं आ रहा है, पीयूष नहीं समझ जाता है कंटेंट के लिए अमित भाई को यूज करते हैं कभी कभी। गाइस खाना पीना कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं गिफ्ट लेने के लिए जो ऋतिक भाई को देना है, अब देखते हैं कहाँ पे मिलेगा, देखते हैं, अगर इधर तो शहर टाइप से नहीं लग रहा है, थोड़ा देहात टाइप से लग रहा है तो यहाँ मिलेगा नहीं, और हम लोग को समझ नहीं आ रहा कि क्या गिफ्ट लें, देखते हैं क्या, अभी कोई लड़की रहती तो कुछ भी दे देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मिक्सर विक्सर वगैरह, लड़के में समझ नहीं रहा क्या गिफ्ट, लड़कों को क्या गिफ्ट चाहिए यार, फिर भी देखते हैं दुकान में जाके, अब आए इतनी दूर से तो देना चाहिए, चलिए चलते हैं। फाइनली हम लोग हो चुके हैं तैयार, घर से पान के नहीं आए थे क्योंकि बहुत ही लंबा सफर था, 7 घंटे अभी तक हम लोग लग चुके हैं, 11 बजे निकले थे, चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, 11 बजे निकले अभी तक 7 बज गया, तो 10 किलोमीटर होगा ना, 10 किलोमीटर होगा, 9 घंटे लग चुके हैं हम लोग सफर पे, तो गाड़ी आ रही है थोड़ा बंद कर देते हैं इसको हम लोग, और अभी भी बस पहुंचने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर दूर है घर, तो हम लोग यहाँ पे अपना जो था गेटअप ले चुके हैं, अब चलते हैं वहाँ पे। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं ऋतिक भाई के घर, यहाँ पे शादी पे, यहाँ पे उनके स्टूडियो पे ही रुके हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके भाई सब हैं, दोस्त वगैरह अमित भाई अभी फोटो खिंचाने में व्यस्त है, और ऋतिक भाई का भी कुछ हो गया क्या बोलते हैं नियम वगैरह, तो वहाँ पे वो है, यहाँ पे नहीं है, तो फिर हम लोग चलेंगे उन्हीं के पास। तो गाइस बारात निकलने में तो अभी थोड़ा लेट लगेगा, तो तब तक हम लोग यहाँ पे मेला लगा हुआ है गाँव के सामने ही है, मेला घूम लेते हैं थोड़ा, यहाँ यज्ञ हो रहा था तो उसका मेला लगा हुआ है, 9 दिन तक मेला लगता है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, दिखा रहे हैं मेला आपको जाके, यहाँ पे तो थोड़ा दूर है, पीछे आप देख सकते हो मेला लगा हुआ है, तो गाइस देख सकते हो यहाँ अमित भाई के पीछे कितने बच्चे आ गए हैं, पहचान लिए सारे सारे यहाँ बच्चे, तो अमित भाई आगे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे बच्चे हैं।
तो गाइस सुबह सुबह हम लोग निकल चुके थे साथी के घर से और रास्ते पे अभी 2 घंटे लगातार चलने के बाद एक चाय की टपरी पे रुके हैं चाय वगैरह पीने के लिए। तो चाय पी लेते हैं यहाँ से, उसके बाद यहाँ से हमें मिलने जाने हैं सूरज डॉग्स भाई के पास। इनसे बात हो गई थी रात को ही, तो उनका अगर रास्ते पे ही पड़ता है तो वहाँ हम उनसे मिलते हुए जाएंगे घर। तो जल्दी से चलते हैं यहाँ से, चाय वगैरह पी लेते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। तो कैसे हम लोग पहुँचने वाले हैं सूरज डॉग्स के घर, बस उसके अगल बगल ही है, सामने ही है। अभी एक भाई जो है उनके पास लेके जा रहे हैं हम लोग को, क्योंकि हम लोग को पता नहीं रास्ता, तो वो एक भाई को भेजे थे, वो हमें लेके जा रहे हैं उनके पास। और देखते हैं उनसे कुछ वीडियोस भी बनाएंगे, ट्राई करेंगे वीडियो बनाने का, तभी तो मजा आएगा। अभी स्क्रिप्ट सोच रहे थे, अभी तक कंफर्म नहीं हुई कि क्या बनाना है, सोच लेते जाते जाते अभी हमें हमारे पास वीडियो बन जाएगा, 2-3 वीडियो तो आराम से बना लेंगे। तो फाइनली गाइस सूरज भैया से मिल लिए, उनके पूरे टीम से मिल लिए गाइस, जैसे कि देख सकते हैं फुल एंजॉय में है। 7 करोड़ तो गाइस पूरे टीम से मिल लिए हैं, अब चलते हैं रील बनाएंगे। रील तो बन चुका है भाई, सबसे बड़े यूट्यूबर है भाई, पब्लिक के साथ मजाक में। सौरभ जोशी 2 नंबर गया गाइस, काफी मजा आ रहा है सूरज भाई के साथ, सूरज भाई के साथ और उनके टीम के साथ फोटो खिंचाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे चल रही है हमारी शूटिंग। इधर है रियल फूल्स की टीम और इधर है अमित भाई की टीम, दोनों मिलके वीडियो बना रहे हैं हम लोग। स्क्रिप्ट अभी याद कर रहे हैं, क्या बताएं छोटा भाई, 50 रुपए बचाने के चक्कर में मैं 20 किलोमीटर पैदल चल के आया। आप तो क्या हुआ, 20 रुपए रास्ते में गिर गया। 50 हम यहाँ पे आए थे और इधर रील शूट हो रहा है और इधर भी रील शूट हो रहा है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। अगर आप अपने लिए रिश्ता देखने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? लड़की देखूंगा। मेरे कहने का मतलब है लड़की कैसी होनी चाहिए? जिंदा होना चाहिए। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सूरज भैया के घर पे, मिलके बहुत अच्छा लगा, काफी 2-3 घंटे अभी तक हम लोग रह चुके हैं यहाँ पे, वीडियो अगर भी खूब बनाए जो आप बिहाइंड द सीन पे देख सकते हो, बहुत ज्यादा रील्स अभी बनाए गए, जब सबको रील्स बनाते हैं और अभी भी बना रहे हैं, अभी आगे भी बनाएंगे, अभी इसका बना देंगे, देखो ज्यादा काला दिखेंगे। नहीं नहीं, नेचुरल हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, अंदर से फिल्टर लग जाएगी। तो सूरज भाई से बहुत दिन से हम लोग मिलना सोच रहे थे, पहले तो पता नहीं था झारखंड से, बाद में पता चला कि झारखंड के कोडरमा जिला से हैं, तो इधर से हम लोग आज आए थे इधर बिहार से, तो गुजर रहे, तो सामने पे कोडरमा मिल रहा था रास्ते पे, तो मिल लिए सूरज भाई सर, मिलकर बहुत ही अच्छा लगा गाइस। तो गाइस बहुत ही मस्त वीडियो बनाता है ये भी, तो इनका वीडियो देखिए और आप लोग तो देखते होंगे, जानते होंगे इसको, तो जितना हो सके और ज्यादा सपोर्ट कीजिए इसको और हमको भी। बिल्कुल आपको तो सपोर्ट आई है, और ये हमारी टीम का ही ब्लॉग है, पर्सनली हम लोग ब्लॉग नहीं बनाते, टीम का ही सारा ब्लॉग रहता है। तो गाइस बहुत ही अच्छे सूरज भैया हैं, क्या ही बताएं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। जब पहले एक मिलने से पहले लगता था कि कैसे ने कैसे होंगे, लेकिन वो जब मिले सामने से लगता है बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं गाइस, और आस्ते आस्ते वाला वीडियो भी बन रहा है, मजा भी आ रहा है काम करने में। ये काला इसको छोड़ो, इसको इग्नोर कीजिए, इसको काला किसको बोली रे, इसी कंटेंट को लेके बनाएंगे काले कंटेंट को लेके। ये काला नहीं है, थोड़ा चॉकलेटी हो गया, 2-4 दिन से नहाया नहीं है ना, इसलिए डायलॉग हम लोग रोज नहाएगा, गर्मी आ गया, जैकेट खोलो गर्मी लगा। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग यहाँ से वीडियो जल्दी से शूट करके निकलेंगे। अब यहाँ पे फोटो शूट किया जा रहा है और सूरज भाई फोटो क्लिक कर रहे हैं, एक वीडियो बना ले, ब्लर नहीं। आप लोग देख सकते हो सूरज भैया के खूबसूरती का राज। तो भैया ये क्या लगा रहे हैं आप? ये है कपड़ा धोने वाला साबुन। तो इसी से इतना चेहरे पे निखार आता नहीं। तो गाइस यहाँ पे वीडियो शूट का तैयारी चल रहा है, तो ये स्टेप किसी को नहीं आ रहा है, तो सूरज भाई सबको स्टेप सिखा रहे हैं कैसे करना है।
हम लोग एक टीम इधर बोल रहे हैं, उधर वो टीम बोल रहे हैं, जाते भी आएंगे है ना, दिख जाएगा। ले रेडी बॉयज, तो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं घर के लिए, मिलके मिलके बहुत ही अच्छा लगा भाई सबसे, अजय भाई बहुत अच्छा लगा गाइस, पूरा मस्ती किया, वीडियो बनाया, एंजॉय किया बहुत ही ज्यादा, मस्ती हुआ गाइस, बता कितना मस्ती हुआ, जब से आए में देखिएगा, बिल्कुल ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, ब्लॉग में हर चीज हम लोग शूट नहीं किया क्योंकि कहीं भी आए और ब्लॉग स्टार्ट करना उतना अच्छा नहीं लगता है, जितने भी भैया है ग्रुप में बहुत ही सब बहुत ही अच्छे हैं गाइस, क्या ही बताया, कभी आइएगा पर्सनल मिलिएगा तो पता चलेगा, हम लोग भी आएंगे गाइस बोकारो, बहुत और बोकारो में रहते हैं, हां बोकारो में, बोकारो में कस्मार, चलिए सूरज, सूरज सूरज भाई, हेलो गाइस, कब आ रहे हैं बोकारो, बोकारो की पब्लिक से बोलिए कुछ, बहुत जल्द आएंगे, अरे इसका शादी में आ रहे हम, जल्दी बुलाया जाएगा गाइस, मेरा अभी कैमरामैन का शादी है, मेरा बाकी है, इससे पहले इसका होगा, पहले मनोज कैमरामैन का शादी है, नहीं गाइस इसका शादी में आएंगे हम, हम दोनों सेम, मेरा शादी में तो आना ही होगा, वो तो है, चलो ठीक है, चलिए गाइस आते हैं, चलिए गाइस हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और हम लोग जाने वाले हैं यार, ब्लॉग अभी एंड मत करो, एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से, तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, तो गाइस हम यहाँ पे घर जा रहे थे, उससे पहले हम लोगों को एक मतलब दोस्त मिल गया, ये तो ये अपने घर पे थोड़ा देर के लिए रुका लिया, तो गाइस यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, तो एक बार जोर से चोट्टा बोल दो, तो गाइस देख सकते हैं बच्चे लोग का जज्बा काफी खतरनाक है, और इधर बाय बाय कर दो, चलो बाय करो,